हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंड्रॉइड एनसी। असूस जेनफोन 7 एंड 7 प्रो दोनों स्मार्टफोन ताइवान के अंदर लॉन्च हो चुका है गाइज। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ असूस जेनफोन 7 एंड 7 प्रो के स्पेसिफिकेशन और इसके प्राइस के बारे में। साथ ही बात करेंगे कि असूस जेनफोन 7 सीरीज जो है वो इंडियन मार्केट में कब तक लॉन्च होगा। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। तो दोनों स्मार्टफोन में आपको सेम डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। दोनों स्मार्टफोन में आपको 6.67 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले दिया गया है और साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन में आपको फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आपको फ्लिप कैमरा देखने को मिलेगा। जो इसका रियर कैमरा वही फ्लिप होकर इसका फ्रंट कैमरा बन जाएगा दोस्तों। साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। साथ ही जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको साइड माउंट में देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में। तो दोनों स्मार्टफोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा। जो मेन कैमरा वो आपको 64 मेगापिक्सल का है और यहाँ पे आपको सोनी का MX686 वाला सेंसर देखने को मिल जाएगा। साथ ही 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और यहाँ पे भी आपको सोनी का MX686 वाला सेंसर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन के रियर कैमरा में आपको 3x का ऑप्टिकल जूम एंड 12x का आपको डिजिटल जूम देखने को मिल जाएगा। साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको OIS का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन के रियर कैमरा से आप 120fps पे स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे और साथ ही साथ यहाँ पे 8K जो है वीडियो रिकॉर्डिंग आप 30fps पे कर पाओगे, जो कि काफी अच्छी बात है। असूस के जेनफोन 6 सीरीज में हमें ड्यूअल कैमरा देखने को मिला था, बट इस टाइम यहाँ पे ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलने वाला है, तो ये काफी अच्छी बात है दोस्तों। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के हार्डवेयर के बारे में। तो असूस जेनफोन 7 में आपको स्नैपड्रैगन का 865 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा और असूस के जेनफोन 7 प्रो में आपको स्नैपड्रैगन का 865+ वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोनों स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड 10 जो है आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा विद जेन UI के साथ। रैम एंड रोम वेरिएंट की बात करें दोस्तों, तो असूस जेनफोन 7 में आपको 6GB रैम एंड 8GB रैम वेरिएंट देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको LPDDR5 रैम वर्जन देखने को मिलने वाला है। साथ ही यहाँ पे आपको 128GB का UFS 3.0 का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा और असूस जेनफोन 7 प्रो में आपको 8GB रैम एंड 256GB वाला इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में। तो दोनों स्मार्टफोन में आपको 5000mAh का बैटरी देखने को मिलेगा और साथ ही यहाँ पे आपको 30W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोनों स्मार्टफोन में आपको Wi-Fi 6 टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा, ब्लूटूथ वर्जन 5.1 देखने को मिलेगा, NFC का सपोर्ट देखने को मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पे आपको 3.5mm का ऑडियो जैक का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जो कि काफी अच्छी बात है दोस्तों। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में। तो 6GB रैम एंड 128GB वाला जो स्टार्टिंग वेरिएंट है इसका प्राइस आपको 55,999 पड़ेगा एंड 8GB रैम एंड 128GB वाला जो इंटरनल स्टोरेज है इसका प्राइस आपको 60,999 पड़ेगा। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के लॉन्च डेट के बारे में कि ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में कब लॉन्च होगा। फिलहाल ये ताइवान के अंदर लॉन्च हो चुका है। लीक के तहत ये बताया जा रहा है कि असूस जेनफोन 7 सीरीज जो है ये इंडियन मार्केट में सितंबर के महीने में लॉन्च होने वाला है। फिलहाल अभी भी इसका लॉन्च डेट कंफर्म नहीं हुआ है कि किस डेट को ये इंडिया में लॉन्च होगा, बट ये कंफर्म है दोस्तों कि ये सितंबर के महीने में ही इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। ये कुछ बातें थे असूस जेनफोन 7 सीरीज से रिलेटेड। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मैं मिलता हूं एक न्यू और एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।